हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल चंचल फूड ट्रिक्स। आई होप गाइस यू ऑल ऑफ आर फिट एंड फाइन। और कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वेज मंचूरियन की रेसिपी। फ्रेंड्स, आपको ये पता है, आप रेस्टोरेंट में अगर खाने जाते हो तो वहाँ पे आपको एक ही प्लेट 350 का मिलता है, और इस लॉकडाउन के टाइम पे आपको वो भी नहीं मिल रहा है। तो हाँ, चलिए तो आज हम वेज मंचूरियन मोमोज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आटा लिया है और 250 ग्राम ही मैदा लिया है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करना है, और आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा डो तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका डो है वो आपका हार्ड ही रहे, आपको सॉफ्ट तैयार नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा डो तैयार कर लिया है। और अब इसको आपको क्या करना है, आपको ढक के इसको रख देना है, बिल्कुल पूरे 5 मिनट्स के लिए आप इसको ढक दीजिए। चलिए अब हम अपने मोमोज की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक गैबेज ले लिया है। गैबेज को मेरे को बिल्कुल बारीक बारीक ग्राइंड करना है आपको। फ्रेंड्स, गैबेज आपका मोमोज का बिल्कुल मेन इंग्रेडिएंट है। देखिए, मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक आपका ग्राइंड कर लिया। अब हम अपना एक ऑनियन कट कर लेते हैं। ऑनियन भी आपको बिल्कुल बारीक ही कट करना है। चलिए अब हम कैप्सिकम ले लेते हैं। कैप्सिकम को भी आपको बिल्कुल बारीक ही कट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मोमोज की फिलिंग में सारी चीज़ें बारीक ही कट करनी होती है। फ्रेंड्स, मोमोज वेज मंचूरियन बहुत ही अच्छा है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक हरी प्याज ले ली है। हरी प्याज को भी मैंने, इसका जो प्याज था वो मैंने निकाल दिया है, और इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप इसको मोमोज की फिलिंग में ले सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। देखिए, मेरी सारी सब्जियाँ यहाँ पर कट गई हैं। और फ्रेंड्स, आज आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो रेसिपी है बिल्कुल यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है, कम टाइम लेगी आपका और आपको बहुत ही अच्छा खाने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले ली, और मैंने अनियन, कैप्सिकम एंड ग्रीन वेजिटेबल्स जो थी वो मैंने इसमें आपका ले लिया है। और अच्छे से फ्राई करना है आपको, मतलब थोड़ा कच्चा ही रखना है, इतना भी फ्राई नहीं करना है। और बाकी मैंने यहाँ पे आपका डाल दिया है गैबेज। आहा, बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, आप देखते रहिए वीडियो में, आपको लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं, रेड चिल्ली, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, एजिनोमोटो सॉल्ट डाल दिया है। और ये देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है इसका, वाओ, येलो बिल्कुल लाइट कलर आया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। प्लेट में आपको थोड़ा ठंडा होने के लिए इसको रख देना है थोड़ा सा। फ्रेंड्स, फिलिंग ही इतनी गजब बनी है तो मोमोज कितने अच्छे बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे मोमोज बना लेते हैं। और मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं, आपका जो फिलिंग था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मोमोज को आपको मोमोज की तरह आज बिल्कुल नहीं बनाना है, मैं एक नई ट्रिक लेकर आई हूँ। कैसे बनाते हैं ये मोमोज आप देखते जाइए। आप पहले बिल्कुल एक डो बना के आप अच्छे से बेल लीजिए, और एक कटोरी रखिए। कटोरी में आप बिल्कुल गोल गोल कट कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ जी, इससे क्या होगा, एक तो आपकी शेप भी अच्छी आएगी, और प्लस आपके मोमोज बिल्कुल सेम दिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से आपका गोल गोल कट कर लिया है, मतलब पूरा एक शेप आ गया है। अब डालेंगे इसमें मोमोज की जो फिलिंग थी मेन पार्ट वो, और ये देखिए मैंने अच्छे से इसको राउंड कर दिया है, एक फ्लावर की शेप दे दिया है फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये दिखने में, और देखिए बाकी के मैंने सारे मोमोज इतनी जल्दी बना डाले। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोमोज बनाने का स्टीमर नहीं है तो उसका भी जुगाड़ मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक छन्नी लेनी है, छन्नी में आपको तेल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेना है फ्रेंड्स। जब आपका पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो आपके जो सारे मोमोज हैं वो आपको यहाँ पे लगा देने हैं अच्छे से। और फिर आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर अच्छे से स्टीम करना है, बर्तन से ढक देना है। इसकी जो मतलब स्टीम होती है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए हमारे मोमोज बहुत अच्छे पक गए हैं फ्रेंड्स, जल्दी से बन गए हैं ना। देखिए अब हमको क्या करना है, एक कढ़ाई में ऑयल लेना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रीन चिली लेनी है। ग्रीन चिली के साथ साथ अनियन मैंने बड़े बड़े कट कर लिए थे फ्रेंड्स, ये भी आपको करके रखना है। फ्रेंड्स, आपको टोमेटो की प्योरी भी बना के रखनी है। अब आप बोलोगे कि ये आप क्या कर रही हो, क्या क्या बनाई जा रही हो। फ्रेंड्स, ये है आपकी मंचूरियन की ग्रेवी। यहाँ पर मैंने डाल लिया है सॉल्ट, ग्रीन चिली, कोरिएंडर पाउडर नहीं, ब्लैक पेपर आपको यहाँ पे लेना है फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गई। और अब यहाँ पे लेना है आपको सोया सॉस। देखिए आपका सोया सॉस से आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, इसको डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको यहाँ पे डालना है 1 कप वाटर।
ओके, और आपको अच्छे से मिला लेना। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेन इंग्रेडिएंट्स, मंचूरियन मसाला। और ये देखिए मंचूरियन मसाले से कितना अच्छा टेस्ट आ गया है, ग्रेवी आपकी बहुत ही गाढ़ी बन गई है। मैदा आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए आपका यहाँ पे पूरा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। मेरे मुंह में तो आ गया है पानी, मैं तो चली इसको खाने। आप भी इसको ज़रूर बना के खाइएगा, देखिए कितना लाजवाब लग रहा है ये फ्रेंड्स। बना के खाने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, मेरी रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे हम, ओके बाय।